नमस्कार, मैं अंशिकी जड़िया और एक बार फिर स्वागत है आपका अमर उजाला की आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको देते हैं बॉलीवुड जगत की पांच बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। बॉलीवुड की गलियों में काफी टाइम से एक खबर आ रही थी कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन दोनों एक्टर्स में से किसी ने भी इस पर कोई भी बातचीत नहीं की थी। अब आखिरकार अर्जुन कपूर ने इस बारे में पहली बार चुप्पी तोड़ी है। दरअसल सोमवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में राज ठाकरे की दिवाली पार्टी में सिंघम अगेन के कलाकार अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और निर्देशक रोहित शेट्टी के साथ अर्जुन कपूर भी शामिल हुए थे। इस दौरान बातचीत में अर्जुन कपूर ने कबूल किया कि वो अब सिंगल हैं। इसका एक वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने फैंस का भी ध्यान अपनी ओर खींचा है। वीडियो में अर्जुन कहते हैं, अभी सिंगल हूं, रिलैक्स। वहीं मलाइका अरोड़ा ने भी इस मामले में फिलहाल चुप्पी बनाई हुई है। एक तरफ जहां कई लोगों ने उनके प्यार का समर्थन किया था, तो वहीं कुछ उनके बीच के एज गैप को लेकर काफी सवाल भी उठा रहे थे। साल 2017 में अरबाज से तलाक के बाद सार्वजनिक तौर पर उन्होंने बहुत अधिक ट्रोलिंग का भी सामना किया था। हालांकि एक इंटरव्यू में मलाइका अरोड़ा ने कहा था कि उन्हें अब इन नेगेटिव कॉमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। भूल भुलैया 3 अपनी रिलीज से सिर्फ कुछ ही दिन दूर है। फिल्म को लेकर प्रशंसकों में काफी उत्साह भी है। फिल्म में इस बार कई नए चेहरे भी देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म का ट्रेलर और गाने लगातार फैंस का उत्साह भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन ने फिल्म के सेट से BTS तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर आपको एहसास होगा कि आखिर मंजुलिका वाकई में कितनी खतरनाक है। बीते दिन सोमवार को कार्तिक आर्यन ने विद्या के साथ प्रतिष्ठित हावड़ा ब्रिज पर फिल्माया गया फिल्म का एक खतरनाक सीन साझा किया, जिसे देखने के बाद कोई भी सहम जाएगा। ये BTS तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही हैं और इन पर अब प्रशंसक लगातार अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। फिल्म रिलीज होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है और फिल्म को लेकर फैंस का उत्साह भी सातवें आसमान तक पहुंच चुका है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाना भी शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भूल भुलैया 3 ने बुकिंग के पहले ही दिन 17,000 से भी ज्यादा टिकट्स बिक गए हैं। सोनू निगम सिंगिंग की दुनिया का चमकता सितारा है। दर्शक सिंगर की आवाज के दीवाने हैं। यही नहीं, सोनू निगम के कॉन्सर्ट की टिकट्स भी काफी महंगी बिकती हैं और लोगों में सिंगर के कॉन्सर्ट में जाने को लेकर एक होड़ मची रहती है। अब हाल ही में सिंगर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रशंसक गायक से मिलने के लिए स्टेज पर आ जाता है। हालांकि सुरक्षाकर्मी उसे पीटते हुए स्टेज से नीचे उतार देते हैं। ये पहली बार नहीं था जब किसी प्रशंसक या बदमाश ने मंच पर चढ़कर कलाकार पर हमला किया हो। हालांकि सिंगर ने उस समय खुद को बचाया और गाना भी गाते रहे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने बाउंसर की जमकर सराहना की है, तो वहीं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी जमकर ट्रोल करना शुरू किया है। लोगों का कहना है कि अगर वो किसी कलाकार को इनवाइट करते हैं, तो फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हें ही उठानी चाहिए। फिल्मी पर्दे से भले ही शिल्पा शेट्टी की बहन और अभिनेत्री शमिता शेट्टी दूर हों, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के साथ हुए एक दुखद एक्सपीरियंस को एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस की आलोचना करते हुए लिखा कि इंडिगो ने वजन की समस्या के कारण उनका सामान फ्लाइट से उतार दिया था। एक्सपर्ट शमिता ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। शमिता ने बताया कि वो एक कार्यक्रम के लिए जयपुर से चंडीगढ़ जा रही थी और एयरलाइन से बिना किसी सूचना के उनके बैग विमान से उतार दिए गए। बता दें कि शमिता ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर फंस गई हूँ। मैंने इंडिगो एयरलाइन से जयपुर से चंडीगढ़ ट्रैवल किया और मेरे बैग मुझसे बिना पूछे ही उतार दिए गए। मैं यहाँ एक कार्यक्रम के लिए आई हूँ। वजन संबंधी कुछ समस्याओं के कारण मेरे हेयर ड्रेसर का बैग और मेरा बैग उतार दिया गया। क्या ऐसा कुछ करने से पहले मुझे सूचित नहीं किया जाना चाहिए? आपको बता दें कि अब एक्ट्रेस की ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल होती हुई नजर आ रही है। वासन बाला निर्देशित और आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म जिगरा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है। ये फिल्म ओपनिंग डे से ही संघर्ष कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शहरों में पहले दिन ही इसके शो रद्द कर दिए गए थे, क्योंकि इसे दर्शक नहीं मिल रहे थे। साथ ही फिल्म पर दिव्या खोसला कुमार ने कहानी चोरी का भी आरोप लगाया था। इसकी वजह से भी फिल्म की कमाई पर प्रभाव पड़ा है। चंद दिनों में सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 जैसी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिसके बाद सिनेमाघरों में इसका बोरिया बिस्तर उठाना तय माना जा रहा है। बता दें कि फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4,55,00,000 का कलेक्शन किया था, तो वहीं दूसरे दिन की कमाई में मामूली उछाल के साथ 6,55,00,000 रुपए जोड़े, तो वहीं तीसरे दिन 5.5 करोड़ रुपए, चौथे दिन 70% की गिरावट के साथ 1 करोड़ रुपए, पांचवे दिन 1.6 करोड़ रुपए, छठे दिन 1,35,00,000 रुपए, तो वहीं सातवें दिन 1,25,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। इसी के साथ जिगरा ने पहले सप्ताह में केवल 22.45 करोड़ रुपए का ही कुल कलेक्शन किया। वहीं अगर बात करें 18वें दिन की, तो आलिया की जिगरा ने अब तक बॉक्स ऑफिस से 25,00,000 रुपए ही कमाए हैं।
अब देखना यह होगा कि फिल्म कितने दिनों और सिनेमाघरों में टिकी रहती है। अब तक इसने कुल कलेक्शन 31.25 करोड़ का कर लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बॉलीवुड जगत की खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।